हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और साथ ही साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए विद माय ब्रदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र। A few moments later. हमने सोचा चलो घूमने आए हैं, एडमिशन हो गया, हमने सोचा चलो मूवी देख लेते हैं। जब देखने आए कि भाई सिनेमा में कौन सी मूवी लगी है, तो एक भी मूवी नहीं लगी। कहते भैया सिनेमा जल नहीं रहा, दिवाली पे लगेगी मूवी। तो चलो हमने सोचा यार कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम जाते हैं कुछ खाने, उसके बाद करेंगे शॉपिंग। A few moments later. तो कैसा लगा आपको फिर सैंडविच? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वाद सैंडविच था। मैंने वो कहा था कि यार यहाँ का सैंडविच आके देखो, आपको बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट के लिए बढ़िया बनाते हैं वो। ऐसा सैंडविच तो गंगानगर में नहीं है ना, हनुमानगढ़ में कहीं भी नहीं है ऐसा सैंडविच। देख लीजिए, इनको बढ़िया लगा। अभी गाइस हमने सैंडविच खा लिया और अभी हमारा जो है काफ़ी अभी हमें बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैंने क्या सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आज मेरे बहुत काम थे। एक्चुअली क्या फॉर्म के चक्कर में मैं खाना पीना भूल गया था, पहले मेरा जरूरी काम था, फॉर्म को हो गया। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। वापस कॉलेज आ गया। मैं कहा आपको मैंने कॉलेज नहीं दिखाया कि एक्चुअली कॉलेज दिखता कैसे है। चलिए दिखाता हूँ आपको कॉलेज बाहर से कैसे दिखता है। अंदर तो अभी मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी मैं लेट हो रहा हूँ। अभी क्या गाइस, मैं सुबह निकला था, कम से कम 11 बजे निकला था, और तो मुझे शाम के 4:30 हो गए। मैंने फॉर्म भरा, उसके बाद कपड़े लिए। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पंडित जी होटल। एक्चुअली क्या है, जो गांव में ना हमारे, काफ़ी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आज मेरे भाई कहते हैं कि यार पंडित जी खा गया ना, खाना खाओ तो पंडित जी खाओ, उनकी मत खाओ। चलो मैं देखते हैं यार पंडित जी में है क्या। अभी हम खाएंगे शाही पनीर और तंदूरी रोटियां गरम गरम, तो देखते हैं कैसी आती है। मैं पनीर, मेरे को जो है पनीर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें क्या प्रोटीन अच्छा होता है। बाकी आपको भैया बताते हैं कि हमको कैसा लग रहा है यहाँ पे। भाई बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की। बहुत बात ऐसी सुनी है कि यहाँ की एक एक चीज़ फेमस है। लोग स्पेशल यहाँ पे फैमिली ट्रिप स्पेशल आते हैं, जैसे कि यहाँ एक एक चीज़ यहाँ की हर चीज़ बेटर है। दाल मखनी तो यहाँ की इतनी फेमस है, लोग बोलते हैं जो यहाँ की दाल मखनी खा लेना उसका मन ही नहीं करेगा वापस जाने का। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं यहाँ पर बहुत फेमस है, नाम ही इनका बहुत। जब आप पहले आए थे यहाँ पर, आपने क्या खाया था यहाँ? जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, मैंने दाल मखनी खाई थी। अच्छा, तभी आप दाल मखनी लगे पड़े हो। मटर पनीर खाए थे, मैंने खाया तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो आप रोज घर से पैक कर, घर पे पैक करा लिया करो? नहीं, करेंगे, दूर पड़ता है, अब क्या करें, आए नहीं जाते। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर तो ज़्यादा दूर है यार, 8-10 किलोमीटर आया जाए कौन करे। बहुत अच्छा पनीर था, शाही पनीर मैंने आज तक ऐसा नहीं खाया था। मैंने गाइस, मैं कोटा में भी मैंने ना ऐसा पनीर नहीं खाया। मैंने सुना था यार कि यार होगा अच्छा, पर इतना अच्छा मैंने यार एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताओ। तो गाइस अभी थोड़ा शाम का माहौल है, हमने सोचा चलो थोड़ा चाय भी पी लेंगे साथ में। अभी हम थोड़ा टहल लेते हैं। आज हमने बहुत मस्ती की, सच में मेरे को बहुत मजा आया भैया के साथ जाके, और भैया के साथ मजा आ गया। मेरे को भी बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अभी मेरे को भी फुल मजा आया, मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा गाइस, अभी लग रहा है यही बैठ जाए, एंजॉय करे पूरा। अभी क्या, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा चाय भी पी जाते हैं यहाँ।
गाइस अभी चाय पी रहे हैं, चाय भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया एनर्जेटिक वाली है। कैसी लग रही है चाय? एकदम मस्त, जैसे कहते हैं ना टिप टॉप, ऐसी चाय है। बढ़िया होटल है, फाइव स्टार होटल है, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में स्टैंड बेस्ट चाय है। मजाक कर रहा हूँ, सच्ची चीज है, मैं चढ़ाऊँगा ही नहीं। सही है, ये तो ऐसी मार रहा हूँ, मित्रों का कब दौड़ना। सो गाइज अभी मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और बहुत मज़ा आया गाइज आज के शॉर्ट से, एक स्वीट से विजिट के अंदर, जहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत मज़ा किया। वो क्या है कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए तो यार कपड़े तो बनते हैं ना अच्छे अच्छे। दिवाली के लिए शॉपिंग हो चुकी है, अब दिवाली का इंतजार है, खूब मज़े करेंगे। आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे कुछ अलग हटके आए। आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस प्रकार के व्लॉग चाहिए, आप क्या देखना पसंद करते हैं और आपको आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा, एक बार आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लव यू ऑल।